हमारा देश कभी सेकुलर देश नहीं था। 1975 में 75 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लगा करके उस वक्त धारा जोड़ी गई, सेकुलर स्लम जोड़ा गया। हमारा देश कभी सेकुलर नहीं था। अगर सेकुलरिज्म का ये धारा जोड़ी जा सकती है संविधान में तो हटाई भी जा सकती है। जब हम 400 सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो वहां बैटिंग भी हम करेंगे, बॉलिंग भी हम करेंगे, फील्डिंग भी हम करेंगे, जो जो भी संविधान में संबोधन करने पड़ेंगे, संशोधन करने पड़ेंगे, वो सबका संशोधन विधिवत रूप से लोकतंत्र तरीके से डंके की चोट पे किया जाएगा। और हम तो मान रहे हैं कि 2025 में हम भारत को विधिवत रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे।